बंशीधरनगर रोड शो के बाद जमा दो उच्च विद्यालय में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश में लगता ही नहीं है कि भाजपा की सरकार है या गुंडों की सरकार है। हर जगह लूट, हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराध रोजाना देखने को मिलते हैं। सरकार में बैठे लोग खुद अपराध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटना हो या सोनभद्र कांड, हर जगह भाजपा के लोग शामिल हैं। वह यहां +2 हाई स्कूल के प्रांगण में पार्टी की ओर से आयोजित आम सभा में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अमन चैन लाना है तो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य में भाजपा की सरकार होने के बाद भी सिर्फ कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत दयनीय है। जनता को डबल इंजन की सरकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सीएम रघुवर दास जनता के नहीं बल्कि पूंजीपतियों के दास बने हुए हैं। उन्होंने लोगों से झाविमो की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में झाविमो की सरकार बनी तो दो वर्षों में राज्य का चहुंमुखी विकास किया जाएगा। गरीब किसानों को ब्लॉक एवं जिला का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने कहा कि पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ईमानदार नेता है। उन्होंने कहा कि मरांडी जी ने अपने 18 माह के कार्यकाल में विकास लंबी लकीर खींची है। जिलाध्यक्ष सूरज कुमार गुप्ता ने उपस्थित लोगों से आगामी चुनाव में झाविमो को मौका देने की अपील किया। युवा नेता विजय केसरी ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इसके पूर्व नेताओं ने पूर्व सीएम को 51 किलो का माला पहनाकर एवं विजय केसरी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सभा में सीताराम जायसवाल, कृष्णा विश्वकर्मा, विश्वनाथ भंडारी, अश्विनी कुमार, सुरेंद्र गुप्ता, पूजा गुप्ता, नईम खलीफा, दिनेश शर्मा, अमानत हुसैन समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। संचालन मोहम्मद नईम खलीफा ने किया। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।